आपके कर्म कभी छुपते नहीं, भगवान के सामने फूट फूट के रो रहे होते हैं जब हमारे साथ गलत होता है। भगवान को आपने हमेशा मुस्कुराते देखा होगा। भगवान बोलते हैं बेटा ये तेरा ही कर्म है। बढ़ता है, हम जब बैंक में पैसा डालते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट सेविंग इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लग रहा है, क्या कर्मों पे इंटरेस्ट नहीं लगता? क्या 25 साल की उम्र का किया गया कर्म 50 साल की उम्र में ब्याज के साथ नहीं मिलेगा? इतनी भी मजबूरी आपको गलत काम करने का अधिकार नहीं दे। व्हाटएवर यू सी, व्हाटएवर यू से, व्हाटएवर यू थिंक, यू अट्रैक्ट। दैट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। नियति भेद नहीं करती, जो देती है वो लेती है, जो बोएगा वो काटेगा, ये जग कर्मों की खेती है। ये जो भजन है पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा। नेति भेद नहीं करती, जो बोएगा वो काटेगा। सो आज का वीडियो है गाइस कर्मों के ऊपर, और हमारे कर्म हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ते हैं, चाहे वो इस जन्म के अगले जन्म में पीछा ना छोड़े, या पूर्व जन्म में हम कुछ करते आ रहे हैं वो हमारा पीछा ना छोड़े, या इस जन्म में हो सकता है 15 या 20 साल की उम्र का किया कर्म हमें 50 साल की उम्र में भुगतना पड़े, और 50 साल की उम्र में अगर हम कुछ भुगत रहे हैं तब हम भूल जाते हैं कि हमने तो कुछ नहीं किया, क्योंकि 15 साल की उम्र में किया गया वो कर्म था। सो आज का वीडियो ध्यान से देखिए। हाय, दिस इज अंजना रितोरिया, 40 से 40 करोड़ लॉकडाउन के वो 40 दिन के ऑथर, जिसका इंग्लिश वर्जन है 40 to 40 million, विच इज अवेलेबल ऑन Amazon। मेरी सेकेंड बुक है करोड़ों की बातें, मेरी थर्ड बुक है प्रारंभ से प्रारब्ध तक। और अब मैं आज आपको एक बात बताना चाहती हूँ। कल एक हादसा हुआ, एक इवेंट हुआ, एक छोटी सी कहानी हुई जो मैं वीडियो के माध्यम से आपको अभी दिखाना चाहूंगी। सामने वाले घर में अगर आप देखेंगे तो एक जोमैटो का बंदा गेट खोल के अंदर जाता है, जैसे ही बाहर निकलता है उसके हाथ में क्या है, उस पर रोशनी डालने के लिए सामने से एक लाइट आ रही है, और उसके हाथ में आपको दिखता है एक पैकेट। वो पैकेट लेके हैप्पीनेस सेंटर के सामने खड़ी बाइक के बॉक्स में वो ये पैकेट रख देता है। कल ये कहानी हुई कि मुझे जोमैटो से प्रसाद ऑर्डर करना था मेरे धीरू भैया के घर के लिए, गणपति के लिए, उनके घर में गणपति बैठे हैं। तो मैंने जोमैटो से ऑर्डर किया, और मेरे जोमैटो पे जो मैंने एड्रेस डाला वो इंदौर का हैप्पीनेस सेंटर का डाला। उनके यहाँ लड्डू पहुँच गए। उसके बाद मुझे भूख लगी थी तो मुझे मुंबई के अपने इस घर में खाना मंगाना था, और मैंने जोमैटो से ऑर्डर किया अपने लिए खाना। उसमें पराठे थे, उसमें मैंगो लस्सी थी, और उसमें फ्रूट कस्टर्ड था। कल मैंने सारा दिन खाना नहीं खाया था, मुझे लगा भी अच्छे से खाना खाऊंगी, तो मैंने ये सारी चीज़ें ऑर्डर की थी। मैं भूल गई थी जोमैटो पे एड्रेस चेंज करना, और मेरा खाना पहुंच गया इंदौर में। मेरे पास जोमैटो से, रात की बात है, 10:30 बजे के करीब जोमैटो से कॉल आया कि मैम मैं नीचे खड़ा हूँ। ऐसे नीचे खड़े हो तो ऊपर आ जाओ। मुझे लगा वो मेरे फ्लैट में क्यों नहीं खड़ा है, कल फ्रश के गेट पे क्यों खड़ा है। वो बोला ऊपर कहाँ आ जाऊँ। फिर उसने एड्रेस बताया कि मैं 714 हैप्पीनेस सेंटर पे खड़ा हूँ। देन आई रियलाइज कि अरे मैंने एड्रेस चेंज नहीं किया। तो फिर मैंने उसको कहा भैया एक काम करिए, मैंने प्रियाशा से पूछा कि वो कहाँ है। प्रियाशा बोली हम बाहर हैं, ऐसे खाने वाला आया है, क्योंकि हैप्पीनेस सेंटर में ऑब्वियसली तब तक सब सो गए थे, और प्रियाशा मेरे घर के सामने ही रहती है। तो मैंने कहा प्रियाशा तुम अगर घर पहुँच रही हो तो खाना तुम्हारे यहाँ डिलीवर करवा दूँ। तो उसने कहा करवा दो। मैंने डिलीवरी बॉय को बोला कि भैया एक काम करो, ये मेरे घर के सामने वाले के घर के बगल वाले घर में, वहाँ पर आप रख दीजिए। तो उसने गेट खोला, उसने कहा ठीक है मैम रख दिया। जोमैटो वाले ने कहा कि मैम रख दिया, और मैंने उस पर भरोसा कर लिया, और मैंने उसको पेमेंट कर दिया 305 रुपये का। उसके बाद वो चला गया और मैंने देखा नहीं। उसके बाद मैंने प्रियाशा आई, प्रियाशा ने कहा कि बुआ कहाँ है खाना, ऐसे वहीं रखा होगा गाड़ी पे। बोली यहाँ तो कुछ नहीं है, ऐसे अभी तो वो रख के गया 5 मिनट पहले। उसने कहा नहीं बुआ नहीं, ऐसे ध्यान से देखो। जब नहीं मिला काफ़ी ढूंढने के बाद, तो फिर मैंने उस डिलीवरी बॉय को फोन किया। मैंने कहा भैया किधर है खाना, तो बोले मैम वहीं रखा है। सिर्फ भैया कौन से घर में रखा है, क्योंकि मुझे लगा हो सकता है गलत घर में रख दिया हो। उसने कहा मैम वो तीन बाइक्स थी, एक बाइक थी, दो एक्टिवा खड़ी थी। तो फिर वो सही बता रहा था बेसिकली कि तीन गाड़ियां खड़ी थी, इसका मतलब वो गेट के अंदर गया था और उसने खाना रखा था, वो झूठ नहीं बोल रहा है और घर भी सही बता रहा है। तो मैंने फिर पूछा प्रियाशा को, प्रियाशा वो रख के गया है।
प्रियशा बोली बुआ यहाँ खाना नहीं है, ऐसे हो सकता है फिर तुम्हारे लैंडलॉर्ड को पूछो कहीं ऐसा तो नहीं वो अपना पैकेट समझ के ऊपर ले गया हूँ, बट रात हो चुकी थी उनको भी डिस्टर्ब करना सही नहीं था। उसके बाद एकदम से प्रियाशा ने बोला कि बुआ लेके रख के गया है कि वो लेके चला गया, झूठ तो नहीं बोल रहा है। जैसे उसने कहा झूठ तो नहीं बोल रहा है, मैंने अपनी सीसीटीवी फुटेज देखी, मेरे घर के आगे सीसीटीवी लगा हुआ है और सब तरफ लगा हुआ है, तो हैप्पीनेस सेंटर का जो सीसीटीवी है वो मूवमेंट कैप्चर करता है, तो वहाँ से अगर इतना एरिया कवर करता है कि अगर प्रियाशा का घर है तो वो उसके घर की एग्जिट भी कवर करता है मेरे घर का सीसीटीवी। मैंने जब सीसीटीवी फुटेज देखी और मैंने देखा जो कि मैंने अभी आपको दिखाई वो सीसीटीवी फुटेज, मैंने देखा कि वो बंदे ने गेट खोला, पैकेट अंदर रखा, उसके बाद वो घर के बाहर आके वो ऐसे खड़ा हुआ है और सोच रहा है, अंधेरा है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं पैकेट उसने अंदर रख दिया था, उसके बाद बाहर आके वो सोच रहा था। इंसान गलती करने से पहले 10 बार सोचता है। एक छोटे से खाने के पैकेट के पीछे 305 रुपये का डिलीवरी फूड, आज इंसान इतना मजबूर हो गया है गलती करने के लिए। वो सोच रहा है, फिर वो घर के अंदर गया और वहां से एक पैकेट लेके वापस निकल के फिर अपने जोमैटो की जो उसकी बाइक थी उसमें उसने बॉक्स खोला, जो कि मेरे सीसीटीवी घर के सामने उसकी बाइक खड़ी थी उसमें उसने रखा और बाइक से चला गया। इस बीच में एक चीज और हुई कि जब वो गेट से निकल रहा था तो उधर से एक जोमैटो वाले की बाइक निकली, जिसकी वजह से उसके हाथ में पैकेट है उस पर बहुत अच्छे से रोशनी डाली ऊपर वाले ने। आपके कर्म कभी छुपते नहीं है। पहला एग्जाम्पल कि हो सकता है कि मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती अंधेरे में कि वो खाने का ही बॉक्स है कि नहीं, लेकिन बहुत अच्छे से जोमैटो वाले की लाइक पड़ी उसके कर्म पे। तो यहाँ पे एक बात कहना चाहती हूँ कि आपके कर्म कभी छुपते नहीं हैं। हमको ऐसा लगता है हमें कोई नहीं देख रहा, उस जोमैटो वाले को लग रहा था उसे कोई नहीं देख रहा। उसने थोड़ा वक्त लगाया कि वापस से खाना ले लूँ क्या, वो सोच रहा था, मतलब वो उसने अपना कर्म कर दिया था, उसका कर्म था खाना डिलीवर करने, उसने खाना डिलीवर किया, बाहर आके उसकी नीयत ने उसको सोचने पे मजबूर कर दिया कि वापस ले लूँ क्या खाना, और उसने वापस ले लिया। जैसे उसने गलत कर्म किया ऊपर वाले ने उसके कर्म पे रोशनी डाली, जो कि मेरे सीसीटीवी में कैप्चर हुआ बहुत अच्छे से, और जब मैंने देखा कि वो झूठ बोल रहा है तो मैंने जोमैटो वाले को कॉल किया। अब फिर से मैं यह कहना चाहूंगी 305 रुपये का बिल था वो। 305 रुपये एक बहुत छोटा सा अमाउंट है, आप सब जानते हैं मैंने कई बार 150 रुपये के टैक्सी के बिल वाले को 2500 रुपये दिए हैं, जस्ट बिकॉज सो दैट घर पे जा सके आराम से। तो 305 रुपये बहुत छोटा सा अमाउंट है जिसके पीछे मैं 15-20 मिनट बर्बाद नहीं कर सकती। कई बार ऐसा हुआ है कि मैं जीपे से किसी को मैसेज कर रही हूँ और किसी को गलत मैसेज कर दिया या गलत नंबर पे मैंने पैसा डाल दिया, तो भी एक बिलेनियर लाइफस्टाइल की सोच मुझे बोलती है कि जितनी देर में मैं उसको कॉल करूंगी भैया मेरा पैसा वापस, उतनी देर में मैं कमाने में यकीन रखती हूँ। दैट इज माई थॉट प्रोसेस। बट यहाँ पे झूठ का सवाल था, यहाँ पे एथिक्स का सवाल था। मैंने उस जोमैटो वाले को कॉल किया, भैया आपने डिलीवरी नहीं करी है, किस घर में करी है वहीं जाके बता दो। बोलता मैम मैं दूर आ गया हूँ, पलासिया आ गया हूँ, अब नहीं आ सकता। एक दो बार तो उसने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया, लेकिन जो जोमैटो पे जो नंबर होता है मैंने उस नंबर पे कॉल किया तो उसको उठाना पड़ा। मैंने कहा भैया आप झूठ क्यों बोल रहे हो, आपने बॉक्स नहीं रखा, आप उठा के चल दिए। तो मुझे बोलता है मैडम आप क्या कहना चाह रही हो कि मैंने अपने बॉक्स में वो बॉक्स रख दिया। आई सेड हाँ भैया आपने वो रख दिया और वो बहुत अच्छे से सीसीटीवी में दिख रहा है। और फिर मैंने उसको पूरा पूरा वृतांत सुनाया कि आपने थोड़ी देर सोचा, आपने पहले अंदर रख दिया था भैया, फिर आप गेट के बाहर खड़े थे, और यही मेरा टोन था उससे बात करने का। आई सेड भैया आपने फिर 5 मिनट सोचा लूं कि नहीं लूं, आप फिर अंदर गए, फिर अपने बॉक्स निकाला, फिर अपने वो खाने का पैकेट अपने बॉक्स में रखा और आप चले गए। आप बोले तो मैं क्या आपको रिकॉर्डिंग भेजूं आपके नंबर पे। इमीजिएटली ही सेड सॉरी 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 मैम मैं आपको नहीं, पहले तो बोलता है ओके कोई बात नहीं मैडम, पहले भी एटीट्यूड मैडम कोई बात नहीं मैं आपको पैसा भेज देता हूँ। ऐसे नहीं 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 भैया पैसे की बात नहीं है, आप मुझे ये बताइए कि आपने गलत क्यों किया। बोलता मैडम पैसे भेज रहा हूँ ना वापस। आई सेड भैया पैसे की बात नहीं है, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि आपके ब्रेन में ऐसी कौन सी चीज चल रही थी जिसकी वजह से आपने ऐसा किया। इट्स नॉट अबाउट 305 रुपये, इट्स नॉट अबाउट खाना। मेरे लिए समझना जरूरी था कि ऐसी कौन सी चीज थी जो उसको झूठ बोलने पे और गलत करने पे मजबूर कर रही थी, मैं वो जानना चाह रही थी। एज अ लाइफ को जो मेरी हमेशा की आदत है, कभी कोई गलत करता है तो मैं तह तक पहुंचना चाहती हूँ कि क्यों कर रहा है।
तो मैंने उसको पूछा, भैया आपने क्यों किया ऐसा, मतलब क्या मिल गया? मैं ये समझना चाह रही हूँ क्या वो 305 रुपए आपको मिल गए, जो कि आपको नहीं मिलेंगे, वो तो होटल वाले के पास जाएंगे, तो आपको क्या मिला? एंड देन ही सेड, मैम हमें जोमैटो कुछ देता नहीं है, बचता नहीं है, पापी पेट का सवाल है, ही सेड दैट। और हालांकि थोड़ी देर बाद उसका पैसा रिफंड आ गया मेरे पास, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अभी हमने गाने की लाइन में सुना, भजन की लाइन में, आपका लेखा जोखा ऊपर वाला रखता है, जो बोएगा वो काटेगा। यहाँ पे जग कर्मों की खेती है। यहाँ पे मैं कर्म से रिलेटेड आपको इस एग्जांपल से ही बताना चाह रही हूँ। आज उसने, ये तो अच्छी बात हुई कि उसने जो कर्म किया वो भविष्य में उसको बहुत गलत पड़ सकता था, जो कि मेरी वजह से उसी वक्त रिफंड आ गया, उसी वक्त उसने सॉरी बोल दिया, तो शायद उसका कर्म वहीं कट गया। बट कई बार हम इंसान कई मौके पे ऐसे गलत इतने काम कर देते हैं कि हमें एक तो पता नहीं चलता। आप एग्जांपल सोचिए कि आज वो हो सकता है 25 साल का हो या 30 साल का हो, 50 साल की उम्र में हो सकता है इस कर्म का इमीडिएट उसको रिटर्न ना मिले, इमीडिएटली वो बहुत सुखी हो जाए। जैसे कि हम हमेशा कहते हैं कि पापी लोग क्यों सुखी रहते हैं, जो गलत करता है उसी को जीत क्यों होती है, कई बार हमको ऐसा लगता है, राइट? तो हो सकता है इस वक्त उस वो खाना खा लेता, पेट भर लेता, लेकिन कहीं ना कहीं उसने नियत खराब की थी, कहीं ना कहीं उसने धोखा दिया था, कहीं ना कहीं उसने झूठ बोला था और उससे गलत कर्म हो गया था। मजबूरी पेट की थी, उसने अपना तो बता दिया कि पापी पेट का सवाल है, लेकिन इसके साथ में कर्म ये जुड़ता है कि शायद किसी और को भूख लग रही थी। ये तो बात अलग है कि मेरे घर में मुझे यहाँ आता और मुझे भूख लग रही थी, मुझे खाना खाना होता या प्रियाशा क्या खाना खाना होता, तो कहीं ना कहीं पहला कर्म उसने गलत किया कि दूसरे का भी तो पेट भरना था ना उस खाने से, इसीलिए तो किसी ने खाना ऑर्डर किया था। तो तुमने अपने पेट की सोची तो दूसरे के पेट की भूख का क्या? तो तुमने वो किया कि दूसरे का पेट काट के मैं अपना पेट भर लूं, पहली चीज, क्योंकि उसको पता था कि ये यहाँ का है और वो सोचा कि वो बेईमानी कर सकता है। दूसरी चीज, आज वो हो सकता है 25 साल का हो, छोटी सी उसको वो गलती छोटी सी लग रही हो कि ओके कोई बात नहीं, है ना, हो सकता है उसने सोचा अमीर लोग हैं फिर खाना ऑर्डर कर लेंगे, राइट? लेकिन वो बेईमानी कर पाया, उसने क्या कहा, पापी पेट का सवाल है, लेकिन उसी पापी पेट के लिए उसने दूसरे का पेट काटा, क्योंकि किसी और के पेट के लिए वो खाना था जिसने ऑर्डर किया था, जिसको भूख लगी थी। ये छोटा कर्म नहीं है। अब मान लीजिए कि ऊपर वाला सब देख रहा है, जोमैटो की तो रोशनी पड़ी ही थी उसके कर्म पे, लेकिन क्या ऊपर वाले की नजर नहीं पड़ी? बिल्कुल पड़ी। हो सकता है अब यही व्यक्ति, मैं बोलती हूँ बहुत फल फूल रहा है, खूब उसने मेहनत कर ली, खूब उसने तरक्की कर ली 50 साल की उम्र में, अब हो सकता है उसके बच्चे की या बेटी की शादी होने का टाइम आ गया। मैं जस्ट क्रिएट कर रही हूँ सीन, 50 साल की उम्र में उसकी बेटी हो गई, मतलब बेटी हो गई, बेटी की शादी का वक्त आ गया 50-60 साल की उम्र में, और उसने कुछ सोना जोड़ के रखा था लॉकर में, बैंक के लॉकर में, और अब वो शादी के लिए वो बैंक से अपना जेवर निकाल के रहा है बेटी की शादी के लिए, ऑटो में ला रहा है, ऑटो में छूट गया या उससे उसने कहीं छोड़ा या छूट गया या चोरी हो गया, है ना, इनमें से कुछ भी हो गया। तो सोचिए यही व्यक्ति जब 50 या 60 साल का होगा, जब उसके साथ होगा, तो वो देगा भगवान को दोष, मेरी बेटी की शादी का जेवर था, क्यों चला गया, किसने ले लिया, ऐसे कोई कैसे कर सकता है, भगवान तू मेरे साथ ऐसा क्यों कर सकता है, और वो देगा भगवान को दोष, है ना, क्योंकि ऑब्वियसली वो मेहनत करके आगे बढ़ता जाएगा, अपने बच्चे के शादी करेगा, बच्चे करेगा, बच्चे बड़ा करेगा, पढ़ाई लिखाई और शादी का। मैं ये एक्सट्रीम केस बता रही हूँ कि हो सकता है इतने वक्त बाद फिर किसी दिन उसका वो सोना जब चोरी हो गया, बेटी की शादी के टाइम पे कोई चुरा ले गया, किसी और की ज्यादा मजबूरी रही होगी और इसलिए वो ले गया, तब ये बंदा भगवान को दोष देगा कि नहीं देगा? बोलेगा भगवान तू ऐसा कैसे कर सकता है। तब क्या उसे ये छोटा सा कर्म अपना याद होगा? बिल्कुल भी याद नहीं होगा, क्योंकि ये कर्म उसने 25-30 साल की उम्र में किया, एक छोटा सा कर्म था सिर्फ खाना चुराने का, लेकिन ये कर्म ब्याज के साथ इतना बड़ा कर्म बन चुका होगा। तो आज तुमने किसी का खाना चुराया था, कल मालूम पड़ा किसी ने जेवर का बक्सा चुरा लिया, या कोई बहुत बड़ा स्कैम हो गया, वो भी तब जब आपको उस चीज की बहुत जरूरत थी लेकिन आपसे ज्यादा किसी और को जरूरत थी। कर्म इस तरह से सामने आते हैं, जिस तरह से पुण्य बढ़ता है, हम जब बैंक में पैसा डालते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, सेविंग इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लग रहा है, क्या कर्मों पे इंटरेस्ट नहीं लगता? क्या 25 साल की उम्र का किया गया कर्म 50 साल की उम्र में ब्याज के साथ नहीं मिलेगा?
कि यहाँ किसी ने खाना चुराया था, तुम्हारा ऊपर वाला खाना नहीं चुराएगा, तुम्हारा सोने का डब्बा चुरा दिया, या आपकी कोई सैलरी गायब हो गई, आपका सैलरी से किसी ने स्कैम कर लिया। सो कर्म करते समय हम भूल जाते हैं ये कर्म हमको कितना भारी पड़ सकता है आने वाले वक्त में। हम इंसान इतना रेस में भाग रहे होते हैं और उसमें इतने गलत काम कर रहे होते हैं, हमें लगता है बस यही जीवन है। पूर्व जन्मों का लेखा जोखा हम भूल जाते हैं, या इस जन्म का लेखा जोखा अगले जन्म में हरी रखेंगे और वो देंगे, तब हम दोष देते हैं भगवान को, लेकिन भगवान मुस्कुरा रहा होता है। सो कई बार जब हम भगवान के सामने फूट फूट के रो रहे होते हैं, जब हमारे साथ गलत होता है, भगवान को आपने हमेशा मुस्कुराते देखा होगा। भगवान बोलते हैं बेटा ये तेरा ही कर्म था और उसी की वजह से तुझे ये पाना पड़ रहा है या मिल रहा है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो सिर्फ लेखा जोखा रखता हूँ। सो गाइस अपने कर्मों को हमेशा सही रखें। कोई भी मजबूरी, कोई भी कितनी भी मजबूरी आपको गलत काम करने का अधिकार नहीं देती। आपको झूठी भी मजबूरी आपको गलत काम करने का अधिकार नहीं देती, आपको झूठ बोलने का अधिकार नहीं देती। सो पूर्व जन्मों के कर्म आपका पीछा नहीं छोड़ते, तो इस जन्म का कर्म क्या पीछा छोड़ेगा? या तो इसी जन्म में मिल जाएगा, इनफैक्ट कोशिश करिए इस जन्म का इसी जन्म में मिल जाए। कल तो उसका कर्म बच गया क्योंकि उसने सॉरी बोल दिया, उसने 305 रुपए वापस कर दिया, लेकिन यहाँ पे एक गुरु का एक कंट्रीब्यूशन था, क्योंकि एज अ गुरु मैं काम कर रही हूँ, ऊपर वाले की जिम्मेदारी है। ऊपर वाले ने यहाँ पे फिर ईमानदारी की बात होती है, मेरी ईमानदारी कि कोई गलत कर रहा है, क्या मैं उसको सुधार सकती हूँ। तो मैंने अपना काम, अगर यहाँ पे कल मैं ईमानदारी से काम नहीं, छोड़ो यार क्या करना 305 रुपए थे, कुछ दूसरा ऑर्डर कर देते हैं, यहाँ पे फिर मेरा एक कर्म जुड़ जाता है गाइस। ऊपर वाला मुझसे पूछेगा बेटा इंसान सुधारने के लिए तुम्हें काम दिया हुआ था, तुम तो फोन बंद करके बैठ गई क्योंकि बहुत पैसा है, तुम फिर से खाना ऑर्डर कर सकती हो, लेकिन तुमने उसका कर्म सुधार सकती थी, नहीं सुधारा। मैंने अपना काम ईमानदारी से किया। इट वॉज नॉट अबाउट 305 रुपए, इट वॉज अबाउट कि एक व्यक्ति है जो एक छोटे से खाने के डब्बे के पीछे गलत काम कर रहा है, जिससे उसको सिखाया जा सकता है। और ये वीडियो भी मैं कोशिश करूंगी उसको कॉन्टैक्ट करके इसकी भी लिंक भेजूं, जिससे वो समझ सके ये होती है ईमानदारी अपने कर्मों की, कि ऊपर वाले ने आपसे क्या करने को कहा है, आप करके तो देखिए। वो सब लेखा जोखा रखेगा, वो बहुत कुछ चीजें ब्याज के साथ देता है, आपके एक छोटे से कर्म का, गलत कर्म का नतीजा भी ब्याज के साथ बड़े रूप में आपके साथ कुछ गलत हो सकता है। और या यहाँ पे आपने एक किसी गरीब को खाना खिला दिया, एक ग्लास पानी पिला दिया, या एक सड़क चलते जानवर की मदद कर दी, ये इतना छोटा सा कर्म भी ब्याज के साथ किसी दिन आपको बहुत बड़े रूप में ऊपर वाला बहुत शुभ फल दे सकता है। सो कर्मों का लेखा जोखा होता है, भगवान रखते हैं, हम ये डिनाई नहीं कर सकते कि आज हम गलत करेंगे और हमें उसका फर्क नहीं पड़ेगा। या फिर वो लोग, वो सच्चे लोग जिन्हें भगवान से शिकायत है कि भगवान क्यों मुस्कुरा रहे हो, हमने तो सब सही किया था, तो भगवान बोलते हैं कि तुम्हें कुछ पूर्व जन्मों का पता नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगर आपके साथ कुछ हो रहा है और अगर भगवान मुस्कुरा रहे हैं, तो भी आप सरेंडर कर दो कि हो सकता है मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो जिसकी वजह से मैं ये सफर कर रही हूँ, मैं माफी मांगती हूँ, और उसी वक्त आप अपने उस कर्मों को कट ऑफ कर दीजिए। सो अच्छे हो या बुरे हो, कर्म का लेखा जोखा रखता है और उसी के अनुसार काम मिलता है। आज अगर आप ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, कुछ अच्छा काम कर रहे हैं और आपको लग रहा है आज नहीं मिल रहा, क्या पता इंटरेस्ट बढ़ रहा है, और जिस दिन आपको सबसे ज्यादा जरूरत होगी उस दिन ऊपर वाला इतना दे देगा। और या फिर एक छोटा सा कर्म आपको लगता है किसी ने नहीं देखा, किसी दिन वो बड़े रूप में ब्याज के साथ मिलेगा, उसका भी वो फल आप ही को भुगतना पड़ेगा। सो आज गणपति है और मैं चाहूंगी कि हम सब एक छोटा सा कमिटमेंट ये कर सकते हैं, हम हमेशा ईमानदार रहेंगे। बस ईमानदार जब एक वर्ड यूज करते हैं ना, तो उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। चाहे वो अपने शरीर की देखरेख हो, ईमानदारी से करेंगे, अपना ऑफिस में काम हो, बॉस क्या कर रहे हैं मतलब नहीं है, लेकिन बॉस की मुझे सैलरी दे, मैं अपना काम ईमानदारी से करूंगी। कहीं ना कहीं आपको हो सकता है दूसरे को ज्यादा मिल रहा है, कोई बात नहीं, उसका वो जाने, मैं अपना काम ईमानदारी से करूंगी। सो सच और ईमानदारी के फल बहुत अच्छे मिलते हैं, और अगर इंटरेस्ट के साथ मिले तो बहुत बड़े मिलते हैं। तो धैर्य रखिए और ऊपर वाले को अपने अच्छे कर्म दिखाइए जिससे वो इंटरेस्ट के साथ दे और इतना ज्यादा दे। सो थैंक यू सो मच, आज की सीख यही है कि कर्मों का लेखा जोखा हरी रखता है। गॉड ब्लेस यू।